देखिए हमारी बहुत ही यमी, बहुत ही मजेदार मखानी तवा बोटी तैयार है। बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर में सब खैरियत होंगे। मैं आपकी शेफ कुरतुलन बेक UPS किचन से आज मैं बहुत यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो 2023। आप लोगों ने जिस तरह से मुझे 2022 में सपोर्ट किया, उम्मीद है कि 2023 में भी आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते चले जाएंगे और मैं आपके साथ अपनी रेसिपीज शेयर करती चली जाऊँगी। और मेरे बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और क्या कहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी न्यू ईयर्स की रेसिपी आने वाली है, इंशाल्लाह हम बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड करते जाएंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार मखानी तवा बोटी, जो कि बहुत ही यमी है, क्विक बनने वाली रेसिपी है। और आप यकीन करें कि आपके घर में जब मेहमान आएंगे और आप उनके सामने रखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी, आइए हम किचन की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इस मखानी तवा बोटी को हम किस तरह से बनाएंगे और इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आइए हम बगैर टाइम वेस्ट किए किचन की तरफ चलते हैं। आइए, ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, ये मेरे पास लाल मिर्च है, ये मेरे पास ज़ीरा है, ये मेरे पास लहसुन चॉप्ड है, ये मेरे पास थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो अदरक है और थोड़ी सी लहसुन है ये डाला है, ठीक है। ये मेरे पास चिकन है, ये मेरे पास मक्खन है, हरी मिर्चें हैं और मेरे पास ये दही है। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऑयल डाला, इसके बाद हम मक्खन डालेंगे, ये मेल्ट होगा, ठीक है। जैसे ही ये मेल्ट होगा इसके अंदर हम ये भी डालेंगे, लहसुन, साबुत लहसुन, ठीक है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इसको भूनेंगे थोड़ा सा इसके अंदर, और इसके बाद फिर हम आगे हम प्रोसीजर क्या करेंगे वो आपको मैं 2 मिनट के बाद बताती हूँ। अब इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, ठीक है। फिर अब हमने अदरक लहसुन डाला, इसके बाद हमने भुना हुआ कुटा हुआ हमने जीरा डाला, इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे हरा धनिया और सॉरी हरी मिर्च, ये थोड़ी सी हमने डालनी है, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे 2-3 टेबल स्पून दही डालेंगे, फिर इसके बाद हम चिकन डालेंगे, नमक अभी हम आखिर में डालेंगे, मैंने आपको बताया भी नहीं है। और इसके बाद हम इसको बस 2 मिनट के बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। चलिए हम 2 मिनट के बाद मिलते हैं। हमारा मसाला तैयार हो गया, अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम चिकन डालेंगे जितनी आपने रिक्वायरमेंट है, जितना आपको कही, मैं भी थोड़ी सी चिकन डालूंगी और आधी मैं बचा लूंगी अपने पास, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जैसे ही चिकन गल जाएगी फिर इसके बाद हम हरी मिर्च डालेंगे इसके ऊपर और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। चले आइए हम बस जब पकता है इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद क्या होता है। ये देखिए अब इसके अंदर हमने ऊपर नमक भी डाल दिया है और इसमें गरम मसाला भी ऐड किया, जो मैं आपको बताना भूल गई थी उस वक्त, इसके अंदर मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है। अब बस अब इसको हम भूनेंगे और फिर इसके बाद हम अच्छी तरह से सर्व करेंगे। देखिए हमारी बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार मखानी तवा बोटी तैयार है। बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, अपने गेस्ट के साथ बच्चों को लंच में भी आप दे सकते हैं, सिर्फ इसको रोल पराठा बना के भी दे सकते हैं और मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। चले मैं चलती हूँ, दोबारा आऊँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। ऑल ऑफ यू टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।